नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ सलमान। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दरियावद क्षेत्र के नया बस स्टैंड पर नगरपालिका के समीप इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ विधायक नगराज मीणा के हाथों फीता काट कर हुआ, जिसमें कांग्रेस जिला अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह रणावत, उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत, तहसीलदार शांतिलाल जैन, नगरपालिका चेयरमैन के बी मीणा मौजूद रहे। गहलोत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत से आमजन को काफ़ी राहत मिलेगी। 8 रुपए की थाली में दाल, हरी सब्जी, रोटी, चावल, अचार, सप्ताह में एक बार दाल बाफले का आमजन भरपूर खाने का आनंद लेगा। इस योजना के तहत रोजाना 350 मेंबर भर पेट खाना खा सकेंगे। 175 मेंबर प्रातः 9 बजे से 2 बजे तक, 175 साय 5:30 से रात्रि 8 बजे तक रहेगा। इस योजना के तहत मैनेजर प्रवीण राठौड़ सहित 6 लोगों का स्टाफ अपनी सेवाएं प्रतिदिन देंगे। ऐसे असहाय लोगों के लिए संस्था की ओर से 20 लोगों को फ्री खाने की व्यवस्था भी की गई है। आसपुर खेड़ा के अम्बेडकर विद्यालय में विशेष योग्यजन मिशन के तहत जिला प्रशासन के तत्वाधान में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उमाशंकर शर्मा राज्य मंत्री के सानिध्य में आयोजित हुआ। ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी यज्ञ नारायण सिंह चौहान, प्रधानाचार्य इंद्रजीत सिंह चौहान के माल्यार्पण कर साफा पहनाकर साल ओढ़ाकर अतिथियों का स्वागत किया गया। मंत्री ने अपने संबोधन में राज्य सरकार के द्वारा विशेष योजनाओं हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और सभी योग्यजन को मिलकर समस्या का समाधान किया। वे विभाग के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। पेंशन पालनहार, मुख्यमंत्री लघु उद्योग, स्वरोजगार का लाभ आमजनों तक पहुँचे। मंत्री ने जन सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत जाकर विशेष योग्यजन के पास जाकर परिवेदन की हाथों हाथ समस्या का समाधान किया। वो उपकरण वितरण किए गए। 5 बैसाखी, 6 व्हील चेयर, 2 ट्राई साइकिल, 2 श्रवण यंत्र वितरण किए गए और पेंशन लाइसेंस सभी सुविधाएं का लाभ हाथों हाथ किया गया। गहलोत मंत्रिमंडल के नायक मंत्री जो जनता की आवाज़ को सुनने के लिए व्यक्तिगत सभी से मिले, समस्या का समाधान हाथों हाथ किया। सभी मंत्री इस तरह जनता की आवाज़ को सुनने लगेंगे तो गहलोत की सरकार को कोई नहीं हरा सकता। तहसील उज्जवल जैन, विकास अधिकारी लाल सिंह राणा, ब्लॉक अध्यक्ष करण सिंह चौहान, जिला उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह खरोड़िया, सेवादल जिला अध्यक्ष गौतम पांड्या, कमल मेहता, नानूराम कलाल, प्रवीण कुमार कोठारी, मणिलाल जोशी, दिगपाल सिंह, हेमेंद्र सिंह, गौरव यादव मौजूद रहे। तो लोग ये सोचते हैं कि विशेष योग्यजन मात्र उपकरण मात्र के लिए है, उनकी सोच गलत है। मैं फिर बता देता हूँ, अगर उपकरण मात्र से काम चल जाता तो आज राजस्थान सरकार में नौकरियों में प्रमोशन के लिए आरक्षण नहीं दिया जाता। आज आपको 5% अंकों में स्थिरता नहीं दी जाती। आज पैरा खिलाड़ियों को आउट ऑफ नौकरी नहीं दी जाती। यह सिर्फ सोच है एक सामाजिक तौर पर, और आप सबको इसको बदलना होगा, क्योंकि आज विशेष योग्यजनों ने वो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे IAS की नौकरी हो या न्यायिक सेवाओं में जज की पोस्ट पर जाना हो। और आज राजनीतिक रूप से देखें तो राजस्थान सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 200 से भी अधिक शहरी निकायों में पार्षदों के रूप में सीधे तौर पर विशेष योग्यजनों को मनोनीत कर राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मैं सबसे कहना चाहूँगा, विशेष योग्यजनों को कम मत समझिए। जब आप अवसाद में होते हैं, जब आपको लगता है कि हम लोग डिप्रेशन में चले गए, तो आपको डिप्रेशन से निकालने के लिए सबसे बड़ा सहारा विशेष योग्यजनों की वीडियो देखकर लगाते हैं, और आप उस वीडियो को देखकर उस डिप्रेशन से बाहर निकलते हैं। विशेष योग्यजन हमेशा से प्रेरणा का स्रोत रहे हैं, प्रेरणा का माध्यम है। और आप सब यहाँ बैठे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आपका सामने जो आपका राज्य आयुक्त, जिसे माननीय मुख्यमंत्री राज्य मंत्री का दर्जा दिया है, मैं खुद भी एक हैंडीकैप हूँ। मेरे भी एक्सीडेंट 99 में हुआ, जिसमें मैंने अपने दोनों पंजों को खो दिया था। बहुत लंबी जिंदगी मैंने संघर्ष करके हॉस्पिटल। निकटवर्ती घाना में महंत बनवारी जी महाराज के सानिध्य में गोपाल गौशाला घाना में कृष्ण रासलीला में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। वहीं राधा कृष्ण नृत्य कर रासलीला का आनंद लिया। वैष्णव समाज के भजन गायक श्यामदास एंड पार्टी द्वारा मधुरवाणी भजन संध्या का शुभारंभ गणपति वंदना से किया गया। वहीं महेंद्र दास अजीत ने भी अपने भजनों की मधुर प्रस्तुति देते हुए श्रद्धालु मंत्रमुग्ध कर दिया।
कृष्ण भक्ति में भक्तों ने नृत्य कर भजनों का आनंद लिया। नरेश से रामावत, दशरथ, वैष्णव, विष्णु, रामावत सहित सभी कलाकारों ने अपनी अपनी मुखारविंद से सुंदर प्रस्तुतियां दी। गुरुजी हरिकिशन सैनी की चतुर्थ पुण्यतिथि पर गुरुजी हरिकिशन सैनी भवन MJF नर्सिंग कॉलेज कैंपस चोमू में गुरुजी की मूर्ति अनावरण, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, दीपावली स्नेह मिलन एवं प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि कृषि एवं पशुपालन विभाग मंत्री लालचंद कटारिया, अतिथि पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव, जयपुर हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर, गुरुजी की माताजी प्रभाती देवी, विधायक रामलाल शर्मा, IAS सत्यनारायण सिंह, चेयरमैन OBC विभाग हरसाई यादव, MJF ग्रुप चेयरपर्सन कैलाश राज सैनी, कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मंगल सोनगरा, अंजनी हनुमान मंदिर के महंत हरिदास ग्वालिया बाबा के सानिध्य में गुरुजी की मूर्ति का अनावरण किया गया। मुख्य अतिथि पशुपालन मंत्री कटारिया ने कहा कि गुरुजी हरिकिशन सैनी ने विद्यार्थियों को जीरो से हीरो बनाया है। आज भी विद्यार्थी गुरुजी को याद करते हैं। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 202 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। जो बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी रोज उनका भी बलिदान दिवस है। तो उस रोज डेट हो गई थी, आज उनकी चतुर्थ पुण्यतिथि है। चतुर्थ पुण्यतिथि पे हमने सभी संगठन वालों ने, चाहने वालों ने उनकी मूर्ति का यहाँ स्थापित किए इसी महात्मा गांधी डॉक्टर नर्सिंग कॉलेज कैंपस में। उनका याद में जैसे हर साल ये अपन मनाते हैं, रक्तदान से उनका रखा गया है। साथ ही क्योंकि दीपावली अभी गई है तो उसने भी प्रोग्राम रखा है ताकि मिलना जुलना भी हो जाए, ये प्रोग्राम रखा गया है। आप सब देख ही रहे हैं आसपास के हिसाब तो विधानसभा क्षेत्र से सभी लोग यहाँ आ रहे हैं, आगे भाग रहे हैं, उस वाणी लड़कर के अपनी अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। ये सब काम हो रहा है, मूर्ति का नाम हो रहा है, इसलिए जयपुर हेरिटेज के मेयर राज्य मंत्री बना रहे हैं, विधायक रामलाल शर्मा जी आए, सभी लोग जनप्रतिनिधि लोग भी आए हैं। और उनके साथ साथ हर गांव पंचायत से आप एक एक वार्ड से यहाँ लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये गुरु जी के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है ये प्रोग्राम आज रहा। और आप देख रहे हो ब्लड खूब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। घना गांव के गोपाल गौशाला में चल रहे 3 दिवसीय भगवत धाम महोत्सव के दूसरे दिन गो पूजन, भंडार व पट्टाभिषेक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महोत्सव के दौरान क्षेत्र भर के संतों का सानिध्य में श्री मोनीदास महाराज के शिष्य बनवारी दास के महंताई व पट्टाभिषेक कार्यक्रम रखा गया। शुभ मुहूर्त में गोपाल गौशाला में गो पूजन का विधिवत आयोजन हुआ। गोपूजन के दौरान रासलीला मंचन के कलाकारों द्वारा राधा कृष्ण की मनमोहक झांकियां निकाली गई। आहोर विधायक छगन सिंह क्षेत्र भर के जनप्रतिनिधि गोधाम पहुंचे। गौशाला संस्था द्वारा संतों का सोल उड़ाकर बहुमान किया गया। उधर सोमवार रात्रि को एक शाम गौ माता के नाम भजन संध्या में मारवाड़ के भजन कलाकार जोग भारती एंड पार्टी द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियाँ पर श्रद्धालु झूम उठे। व्यवस्थापक सुंदरदास ने बताया कि भजन संध्या में गौ माता की झांकी, दुर्गा माता की झांकी नए ना अभिराम रही। पूरे महोत्सव में सुभद्रा नव युवक मंडल धाना के कार्यकर्ताओं ने सेवाएं दी। उपखंड लालसोट में महिलाओं ने आज आंवला नवमी के उपलक्ष में आंवले की वृक्ष की पूजा, आज सुबह से ही महिलाएं अपने हाथों में पूजा की थाली लेकर और मिठाइयां लेकर आंवले के पेड़ के नीचे 108 परिक्रमा के द्वारा पूजा अर्चना की। इस अवसर पर रेस्ट हाउस में भी महिलाओं ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। बताया जाता है कि इस दिन सतयुग की शुरुआत हुई थी और
भगवान नारायण की पूजा और अनुष्ठान किया जाता है। इस अवसर पर सुषमा चौधरी, सीमा चौधरी, मंजू, हंसा, लक्ष्मी, सुनीता, मौसमी ने मिलकर आंवले के वृक्ष की पूजा की। ग्राम विकास अधिकारी नरपत सिंह देवड़ा की सुपुत्री संजना ने केंद्रीय विद्यालय परीक्षा CUET PG में ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक हासिल की। JNU दिल्ली में प्रवेश पाने पर पूरे जिले का नाम रोशन किया। संजना ने 10वीं और 12वीं का अध्ययन सरकारी विद्यालय से किया। शुरू से संजना ने 10वीं में 94.86 व 12वीं कला वर्ग में लगभग 96% अंक पाकर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्नातक परीक्षा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। अब MA के साथ साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी भी दिल्ली में रहते हुए साथ साथ जारी रहेगी। संजना ने बताया कि अब तक के सफर में पापा, मम्मी, दादा जी व मामा जी का पूर्ण रूप से सहयोग रहा है। परिणाम आने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने बधाइयां दी। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए VMR भारत TV। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।